हम सब दुनिया के दौड़ भाग में लगे रहते हैं और अक्सर इस दौड़ भाग में हम अपना ही अस्तित्व खो देते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये खूबसूरत जीवन हमें मिला क्यों, हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, और सिर्फ दूसरों को अपनी काबिलियत दिखाने में जुटे रहते हैं। कई बार हमें ऐसे मौके मिलते हैं जहां हम उस समाज से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी एक एकांत में हमें जीवन बिताना पड़ता है। आप सबको वो मौका आज मुहैया हुआ है। इस स्थिति को हम अपने भले के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ लोग इसके अंदर एक मायूसी में खो भी सकते हैं, तो क्यों ना हम इस मौके का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को एक नई दिशा दें, जिससे कि जब हम उस दुनिया में वापस जाएं, तो एक नए नज़रिए के साथ, एक नए जोश और एक नए अस्तित्व के साथ जाएं, जहां हम अपनी काबिलियत किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ इस जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए और इस खूबसूरत तोहफे को पूरी तरह अपनाने के लिए बिताएं अपना हर समय। तो इसके लिए बैठते हैं हम ध्यान में, क्योंकि ध्यान में हम अपनी आंखें बंद तो ज़रूर करते हैं पर सदा के लिए इन आँखों को खोल लेते हैं। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, ध्यान रहे, कमर सीधी रहे, अपने कंधों को ढीला छोड़ दें और अब धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए एक मंद सी मुस्कान चेहरे पर ले आएं और मेरी आवाज से जुड़े रहें। एक लंबी गहरी सांस भरें और इसे रोक लें और अब इस सांस को अपने मुंह से छोड़ते हुए शरीर को ढीला होने दें, सारे तनाव को बहने दें। एक और लंबी गहरी सांस लें और देखें ये सांस बिल्कुल पेट तक जा रही है और इसे रोक लें और मुंह से सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को ढीला होने दें, अपने पैरों को ढीला होने दें, अपने कंधों को नीचे की तरफ गिरने दें। एक और लंबी गहरी सांस भरें और इसे रोक लें और अपने चेहरे को, माथे को, अपने हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कमर को ढीला छोड़ दें और सांस को मुंह से छोड़ते हुए बिल्कुल शांत होने की स्थिति में आ जाएं। देखिए किस तरह से सांस अंदर और बाहर जा रही है, किस तरह से ये सांस आपके दिमाग तक जा रही है, आपके पैरों तक, आपकी हथेलियों तक जा रही है, आपके सारी रक्त कोशिकाओं में, मांसपेशियों में जाते हुए ये शरीर को और आरामदायक स्थिति में ले जा रही है और शांत कर रही है। इस शांति को अनुभव करिए। अपनी सांस को निरंतर चलने दीजिए और अपना ध्यान अब अपनी रीढ़ की हड्डी पर ले आए। देखिए किस तरह आपकी रीढ़ की हड्डी सदैव आपको सहारा देते आ रही है, कुछ भी करने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, यही तो आपका सबसे बड़ा सहारा है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए देखिए कि किस तरह आपका शरीर हर वक्त आपका साथ देता आ रहा है और इस शरीर को आप किसी अच्छे काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने जीवन को निखारने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शरीर सदा आपसे बात करता है। जब भी इसमें किसी तरह के रोग हैं, तकलीफ है, तो ये आपको बता रहा है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो आपके जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, वो आपके जीवन में आपका भला नहीं कर रहे हैं। अपने इस शरीर से क्षमा मांगते हुए आज से इसके साथ काम करने के लिए अपने आप को अनुमति दें और देखिए किस तरह से आज के बाद आपका शरीर हर स्थिति में आपको
वो ताकत, वो स्फूर्ति देगा जिससे कि आप जो भी हासिल इस दुनिया में करना चाहते हैं वो आसानी से कर पाएंगे। अपना ध्यान अब अपने अंतर मन पर ले जाएं। देखिए कि क्या है आप, कौन है आप। वो नहीं जो दुनिया आपको बुलाती है, आप स्वयं में क्या ख्वाहिश रखते हैं, क्या मानते हैं कि क्या है मेरी सबसे अच्छी खूबी, किन चीज़ों में मैं और बेहतरीन हो सकता हूँ, क्या काबिलियत मैं रखता हूँ, क्या है मेरी अहमियत इस धरती पर। मैं सिर्फ वो नहीं जो लोग मुझे पुकारते हैं, मैं उस दिव्य शक्ति का एक अंश हूँ जिसमें बहुत शक्ति समाई हुई है। तो क्या करना चाहता हूँ मैं इस शक्ति से। एक गहरी सांस लीजिए और अपने अंदर देखिए कि एक नई शांति भर रही है। इस शांत चित मन में आपको तरह तरह के जवाब आ रहे हैं। आज तक आपको जो भी लोगों ने पुकारा है उसको कुछ पल के लिए भूल जाएं और गहराई में डूबे। जानिए कौन हूं मैं, क्यों जन्म हुआ है मेरा, आज के बाद क्या नया जीवन बना सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। इस दुनिया की दौड़ भाग में शामिल होना ही आपका कर्म नहीं है, ये दौड़ भाग तो एक भ्रम है। इस बात को जान लीजिए और जब आप जान जाएंगे तब आप हमेशा के लिए उजागर हो जाएंगे, अपने परम अस्तित्व को पा सकेंगे, अपने सही रास्ते पर खुद ब खुद चलने लगेंगे। तो कुछ पल इस शांत स्थिति में बैठते हैं, परिस्थिति के लिए शुक्रिया कहते हैं, इस बात के लिए शुक्रिया अदा कीजिए और कुछ पल इस शांत स्थिति में नए जवाब अपने तक आने दीजिए कि आपका ये जीवन किस लिए है। सांस निरंतर चलने दें और हर सांस पे देखें कि आप और गहरे ध्यान में जाते जा रहे हैं। पूरा शरीर मन एक हो चुका है, पूरी तरह से शांत विवेकपूर्ण स्थिति में आप पहुंच चुके हैं और इस जीवन को जीने की एक नई दिशा अब आपको प्राप्त हो रही है। अब हम धीरे धीरे स्थिति को अपने अंदर बरकरार रखते हुए अपने भौतिक जीवन में वापस आएंगे। अपने इस शरीर और मन को शुक्रिया अदा करें और अपना सारा ध्यान अपने शरीर पर ले आएं। धीरे धीरे से हम वापस आएंगे, अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और अब इन्हें अपनी आंखों पर रखते हुए एक मन सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे आंखें खोलें और स्वागत है आपका। आशा है आज के बाद आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी और आप उसे पूरी तरह नए जज्बे से जिएंगे।